ये दोस्तों आपकी फ्रंट एलिवेशन है आपकी बिल्डिंग का, और सामने है आपका पार्क, पार्क भी दिखाऊंगा। नीचे आ गई आपकी कवर्ड पार्किंग, पूरी पार्किंग होके मिलेगी आपको। हर फ्लोर वाले को एक एक गाड़ी की पार्किंग ईजिली यहाँ पे लग जाएगी सामने स्टेयर्स पर। पहले आपको पार्क दिखा देता हूँ, ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ दोस्तों पार्क की तरफ। ये पूरा आपका सेक्टर 5 रहने वाला है वसुंधरा। ये पार्क आ गया आपका, बहुत बढ़िया पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे आपके लिए, और देख सकते हो पूरा पब्लिक वगैरह यहाँ पे, अच्छा खासा ग्रीनरी हुई पड़ी आपकी। और ये पूरा आपका पार्क है, पार्क के सामने पार्क फेसिंग रहने वाला है। ये आपका पूरा ग्रीनरी देखिए, शानदार पार्क फेसिंग, वो रही आपकी बिल्डिंग पार्क फेसिंग लेकर आया तुम्हारा भाई मात्र 40 लाख के अंदर। दोस्तों स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग के अंदर। भाई जड़ से लेकर आया हूँ, अभी फ्लोर खाली पड़ी है, जड़ से भी ले लो, फ्लोर वाइज ले लो, फ्लोर वाइज ले लो। प्राइस बहुत शानदार है, 75-70 गज के बीच में है ऑलमोस्ट, गज की बात कर रहा हूँ मैं। और एक चीज और दिखा तो बेहतरीन दिखाऊँ, देखो ये तो फिलहाल होगी आपकी बैल्कनी, सामने आ गया पार्क, वो पार्क फेसिंग है, ये पूरी आपकी बैल्कनी है। और पूरा रहने वाला आपका 70 गज में 2 BHK का, तीनों फ्लोर पड़ी है, जड़ से उठा लो भाई। अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ 1-30 से 1-35 के बीच में डिमांड आ रही है, 1-30 लाख से 1-35 लाख के अंदर। छत भी है, छत के साथ लेना तो प्राइस ये निकलता है, छत के बिना लेना तो चौथी फ्लोर भी आप बनवा सकते हो। सब सॉल्यूशन है, जैसे आपको ठीक लगे। अभी 3 फ्लोर बनी हुई है, उसका प्राइस मैंने दे दिया 1-30 से 1-35 के बीच में। और डिस्प्ले में नंबर मेंशन है, कॉल कर लेना भाई को, डिस्क्रिप्शन प्राइस मेंशन है, वो है इस फ्लोर का। जो प्राइस मेंशन किया वो इस फ्लोर का है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है, 75 से 70 गज के बीच में। वीडियो पूरी देखना ये दोस्तों, पूरा आपका स्टेयर्स का पार्ट रहेगा। देखो ग्रिल वगैरह सब लग के मिलेगी यहाँ पे, तो अभी फिनिशिंग चल रही थी, यहाँ पे भी लाइट का पूरा प्रोविजन है। एंट्रेंस में मिल जाती है आपको, यहाँ पे स्विचेस, मेन स्विचेस का बोर्ड मिल जाता है। और यहाँ से आपकी ये एंट्रेंस है पूरी आपके घर की, ये पूरी एंट्रेंस है। तो भाई 75 गज का पूरा रहने वाला इंडिपेंडेंट फ्लोर। ये फर्स्ट इम्प्रेशन दोस्तों आपकी स्क्रीन में, पीछे का पूरा काम वॉलपेपर का बिल्डर करा के दे रहा है, पूरा फर्स्ट इम्प्रेशन है आपका। ये कॉमन एरिया, तो भाई जो मिडिल क्लास फैमिलीज कहती थी बजट का लेकर आओ, तो लेकर आ गया हूँ। डिमांड इसकी 40 की आस्किंग है, 40 लाख की डिमांड है इस फ्लोर की, नेगोशिएबल ऑन टेबल। ऊपर का फोर सीलिंग का डिज़ाइन इसमें भी आप देख सकते हो, तो पूरा काम बहुत शानदार हुआ पड़ा है। कॉमन वॉशरूम तो 2 बाथरूम के साथ है, ये एक वॉशरूम इस साइड है, एक कनेक्टेड है, ये किचन आदि। ये फर्स्ट रूम की एंट्रेंस हाइट आप देख सकते हो। सबसे पहले नज़र डालो आप अपने कॉमन एरिया का, जो बहुत बढ़िया इंटीरियर के साथ जो फिनिशिंग निकाल के दी है आपकी, नीचे फ्लोरिंग की एक नंबर है भाई, शाइनिंग देखते बनती है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पूरा आपका हाई क्लोज की वेट्रीफाइड टाइल्स है, पीछे का पूरा वॉलपेपर सुभान अल्लाह, लग्जरी फील यहीं से निकल के आ रहा है आपके पूरे कॉमन एरिया का। सामने टेबल पैनल दिया, उससे पहले फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख लीजिए दोस्तों। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपके फॉल सीलिंग के डिज़ाइन का। तो भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए चीज लेकर आया हूँ मैं पार्क के साथ में, कॉमन वॉशरूम एंट्रेंस साइड आप देख सकते हो। फिटिंग्स वगैरह सब आपकी हाई बढ़िया ब्रांडेड लग के मिलेगी भाई, उसकी टेंशन मत लेना। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, एंट्रेंस साइड भी आप देख सकते हो आपका कॉमन वॉशरूम का, जो बिल्डर यहाँ प्रोवाइड करा रहा है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ गया एंट्रेंस साइड, सेम वेट्रीफाइड की हाइग्लोस की वेट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी, पीछे की वॉल पूरी हाईलाइटेड है दोस्तों। और ये आपका पूरा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन इसमें भी आप देख सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये भी आपका टेक्सचर हुआ पड़ा है, ये देख सकते हो, और ये वॉल भी हाईलाइटेड है। तो वॉल सारी आपको यहाँ पे इंटीरियर जबरदस्त करके दिया। थोड़ी मेरी वॉइस इको हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे सराउंड हो रही है। ऊपर फैन वगैरह सब लग के मिल रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं। तो भाई 40 की डिमांड है, नेगोशिएबल ऑन टेबल। तो नीचे पूरा कारपेट एरिया देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया, और एक 2 BHK के हिसाब से बढ़िया साइज निकाल के दिया हुआ है। तो जल्दी से आ जाओ, पूरा आपका काम क्या है वो देख सकते हो, कि पूरा काम आपका रहने वाला है। आपकी जो डोर्स का दिया, पूरे आपके हैंडल्स वगैरह सब यहाँ पे बढ़िया यूज़ किए हैं यार, देख लो एक बार नज़र डाल के। और नीचे का पूरा कारपेट एरिया, यहाँ से दोस्तों हमने एंट्री करी थी, ये भी वॉल देख लो दोस्तों, पूरा हाईलाइट करके दिया है बिल्डर ने, ये तो है ही हाईलाइट। दूसरी वॉल्स भी आपकी पूरी हाईलाइटेड, सामने टीवी पैनल आ गया दोस्तों। यहाँ से लेके चलता हूँ आपकी किचन आ जाती है, किचन से पहले वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा है बिल्डर ने।
यहाँ पे आपका देख सकते हो पूरा वेंटिलेशन का प्रोविजन दिया हुआ है, जिससे कि आपका क्रॉस वेंटिलेशन आपके कॉमन एरिया के अंदर प्रॉपर रहे। तो भाई डिस्प्ले में नंबर मेंशन है, जल्दी कॉल कर लेना जो जो बंदा इंटरेस्टेड है। और ये आपका आ गया किचन का फर्स्ट इंप्रेशन, ये आपकी किचन की फर्स्ट इंप्रेशन है दोस्तों। पूरा आपका देख सकते हो किचन का सेक्शन, ये आपका वॉशिंग स्पेस है, ये चिमनी आ गई दोस्तों, पीछे पूरी वॉल आपकी हाइलाइटेड है, सेरेमिक टाइल्स है जो आप देख रहे हो, और नीचे आपका पूरा प्रॉपर मॉड्यूलर किचन के साथ मिल रहा है आपको किचन देख सकते हो। और ये पूरा इनका वार्डरोब का सेक्शन, कैबिनेट्स वगैरह सब इन्होंने हाई बढ़िया एकदम बढ़िया वुडन दे नाल काम कितना बिल्डर ने यार। और ये पूरा काम देख सकते हो सेम आपको यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए और इस साइड में भी दिया हुआ है। तो प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन आपकी रहने वाली है किचन की भी बेहतरीन। और सबसे प्लस पॉइंट बताऊँ दोस्तों, जिस लेआउट के साथ 2 BHK निकाला है वो देखने वाला है, क्योंकि हर रूम साइज के साथ प्रॉपर हर एक स्पेस को बढ़िया से यूटिलाइज कर रखा है अपने इस लेआउट के साथ, बहुत शानदार है। यहाँ से हमने एंट्री करी थी, पूरा देख रहे हो दोस्तों, जो भी देख रहे हो ना आप लाइट्स वगैरह सब लग के मिलेंगे आपको। यहाँ से लेके चलता हूँ आपका सेकंड बेडरूम एंट्रेंस साइड देख सकते हो दोस्तों, सेम हाई ग्लोस की वेट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी, बेल्कनी के साथ कनेक्टेड है, पीछे की वॉल पूरी हाईलाइटेड है, इसमें ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन इसमें भी आप देख सकते हो बढ़िया किया हुआ है, और मैचिंग पूरा एक नंबर की। अगर चाहे फैन का कलर देख लीजिए या फॉल सीलिंग के अंदर जो हाईलाइट कर रखे हैं सबका। और यह आ जाता है वार्डरोब सेक्शन, और आपका वार्डरोब का सेक्शन है जो लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट के साथ दिया, नीचे आपका 6x6 का बेड भी डाल दोगे तो वॉकिंग स्पेस अच्छा खासा रहने वाला है दोस्तों। तो भाई 40 लाख रुपये में डिमांड आ रही है, नेगोशिएबल है अपर ग्राउंड फ्लोर, अभी 3 फ्लोर पड़े हैं, टॉप फ्लोर का प्राइस अलग रहेगा, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, चाहे जड़ से उठा लो, 130-135 की डिमांड आ रही है जड़ के साथ। तो पूरा फर्स्ट इंप्रेशन देख लीजिए आप अपने इस सेकंड बेडरूम का जो कि कनेक्टेड है वॉशरूम के साथ। तो कोई भी कंसर्न हो भाई कमेंट सेक्शन में पूछना भाई से, या फिर कॉल कर लेना, तो जैसे होगा मैं आपको कॉल अरेंज करा दूंगा। और ये आपका कॉमन वॉशरूम, कनेक्टेड वॉशरूम है, अभी सामान पड़ा है दोस्तों इग्नोर करना, पूरा फिटिंग विटिंग आपकी एक नंबर की होके मिलने वाली है, उसकी टेंशन मत लेना। टाइल्स का काम देख लीजिए, सब लाइट्स वगैरह आपकी एक नंबर की होने वाली है। पैटर्न जो चल रहा है आपकी डोर का, भाई हर डोर आपका सेम पैटर्न के साथ चल रहा है, चाहे वार्डरोब देख लीजिए बहुत शानदार है। नीचे ये आ गई आपकी कनेक्टेड बेल्कनी दोस्तों, आपकी कनेक्टेड बेल्कनी आ गई, बेल्कनी साइज देखिए क्या शानदार की दिया हुआ है, बहुत शानदार दिया। सामने आपका पार्क आ गया, पार्क फेसिंग है, तो ये आपकी पूरी बेल्कनी रहने वाली है। तो दोस्तों ये था आज का आपका बजट के अंदर, 40 लाख की डिमांड थी, नेगोशिएबल है, अपर ग्राउंड से 3 फ्लोर पड़े, टॉप फ्लोर का प्राइस थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसमें की रूफ रेट लेंगे तो अलग प्राइस है, बिना रूफ रेट के अलग है, कमेंट सेक्शन में उससे पूछ लेना। और डिस्प्ले में नंबर मेंशन है, जल्दी कॉल कर लेना, वरना भाई 40 लाख वाली चीज़ निकलती नहीं है। आपको देख चुके हैं नीचे आपकी कवर्ड पार्किंग के साथ है, लिफ्ट नहीं है, कवर्ड पार्किंग बिल्डर करा के दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकर आऊँगा ऐसे वीलॉग्स, और दुआ में याद रखना, प्यार ध्यान रखना भाई के लिए।